कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं बना रही हूँ श्री कृष्ण का पसंदीदा भोग माखन मिश्री, जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। माखन बनाने के लिए ना तो हम इस तरह से स्पून का इस्तेमाल करेंगे और ना ही विस्कर का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इस तरह से माखन बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम बिल्कुल आसान और नए तरीके से माखन बनाएंगे। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू प्रियंका सुपर रेसिपीज। माखन बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप मिलाई। ये वही मिलाई है जो दूध को उबालने के बाद निकलती है। तो अब इस मिलाई को हम इस तरह के एक कंटेनर में डाल देंगे जो अच्छे से बंद होता हो। इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ 3 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। जितनी आपने मिलाई ली है उससे 3 गुना ज़्यादा पानी ऐड करें। जैसे मैंने 1 कप मिलाई ली थी, तो मैं यहाँ 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें आप गुनगुना पानी ही यूज़ करें। अगर आप ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो माखन बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर गर्म पानी यूज़ करते हैं तो माखन पिघल जाता है। इसलिए आप इसमें गुनगुना या गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी ऐड करें। अब कंटेनर को अच्छे से बंद करके इसे अच्छे से शेक करें। अगर आप इस तरह से माखन बनाते हैं तो माखन बहुत ही जल्दी बन जाता है। हार्डली 4 या 5 मिनट में ही माखन तैयार हो जाता है। मुझे इसे शेक करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब कंटेनर का ढक्कन खोलकर देखते हैं माखन बना है या नहीं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत सारा माखन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बोल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे ठंडा पानी और इसमें ये माखन डाल देंगे। यहाँ आप गर्म या गुनगुना पानी ना यूज़ करें, ठंडा पानी ही यूज़ करें। ठंडे पानी में इस तरह से माखन डालने से माखन अच्छे से सेट हो जाता है। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब 5 मिनट तक आप इसे इसी तरह से ठंडे पानी में रहने दें। 5 मिनट के बाद आप इसे एक बोल में निकाल दें। ये देखिए कितना सारा और कितना अच्छा माखन बनकर तैयार हुआ है, और ये अच्छे से सेट भी हो चुका है। और ये माखन बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर डाल देंगे मिश्री, और इसी के साथ ही कान्हा जी का मनपसंद भोग माखन मिश्री बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इस जन्माष्टमी आप भी इस आसान तरीके से माखन मिश्री ज़रूर बनाएं और कान्हा जी को खुश करें। इसके बाद इसके ऊपर रख देंगे तुलसी का एक पत्ता, क्योंकि कान्हा जी के भोग के लिए तुलसी ज़रूरी होती है। और इसी के साथ ही रेसिपी भी पूरी होती है। कैसी लगी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।